एक बार फिर स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। आज मैं फिर एक नया जॉब अपडेट लेके आपके सामने आ जाऊँ, जिसमें आज की वैकेंसी लिमिटेड में है। जैसे लिमिटेड में इस समय वैकेंसी आई है सेफ्टी ऑफिसर सुपरवाइजर स्टेबल, इसमें तीन की वैकेंसी आई हुई है। तीनों का एनसीसी का अपने नाम सुना हो, इसमें का काफ़ी सारे हाई राइज बिल्डिंग है जो वाटर एंड ट्रीटमेंट इलेक्ट्रिकल्स है, माइंस है। इसमें एटलीस्ट मैन ये लोकेशन का वर्क चलता है, इसमें सेफ्टी ऑफिसर सुपरवाइजर स्टीवर्ड स्टीवर्ड बोले जो साइट पे लेवल लेते हैं वो लोग बोलते हैं उसको स्टीवर्ड बोलते हैं। तो उनकी वैकेंसी आई सुपरवाइजर जो भी होता है और एक सेफ्टी ऑफिसर होता है। सारा एक सेफ्टी ऑफिसर का जो भी इनका कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए लोग हायरिंग कर रहा है सेफ्टी इंजीनियर। सेफ्टी इंजीनियर का ही वैकेंसी है। अगर आपके आपसे कोई एक्सपीरियंस आपके पास अवेलेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन के इन्होंने डिग्री या डिप्लोमा मान रखा है कोर ब्रांच सिविल इलेक्ट्रिकल, ये तीनों में से कोई होना चाहिए। प्लस डिप्लोमा विथ इंडस्ट्रियल सेफ्टी 1 ईयर का जो कोर्स होगा डिप्लोमा का वो आपको होना चाहिए। डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टेट बोर्ड ऑफ ये SBT डेट से तो स्टेट बोर्ड ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग सिविल प्रिपेयर है। अगर आप इससे किया तो और बढ़िया है, तो ज़्यादा चांस रहेगा इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कोर्स होता है वो ज़्यादा चांस रहेगा आपको। नेक्स्ट एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 से 8 ईयर का मान कंस्ट्रक्शन इंजीनियर भी हमारे किसी का प्रोजेक्ट होता है तो इंजीनियर परफॉर्मेंस में उनको जो भी पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। पोजीशन देखा मैंने तो उसको कहाँ बता दिया ना, इसमें 40 नंबर से सेफ्टी ऑफिसर, मतलब इसमें सेफ्टी की वजह से इसमें सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। बस सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी किया और डिप्लोमा साथ में इंडस्ट्रियल सेफ्टी रखा तो एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने की। वैकेंसी काफ़ी सारी है, इसमें अप्लाई करेंगे सेफ्टी के लिए ओनली ओनली फॉर सेफ्टी के लिए। और जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी सेफ्टी ऑफिसर अपना जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि जो भी कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन था वर्क प्लेस जो भी रहता है हजार्ड को रिमूव करने का और डेली पे टॉक देने का, इसमें चीज़ें और कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो उसके लिए प्रिवेंट करने के रूट कॉज का इसका था। और जो भी ट्रेनिंग डेली बेसिस पे ट्रेनिंग कंडक्ट करना है गाइड टू एंड सबको और उसके रिसोर्समेंट के बारे में बताना, ये चीज़ें का अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यूज टू पर्सनल पीपी से और वो कैसे यूज करते हैं उसके बारे में लाइक को अवेयर करते रहने कंटिन्यूस, ये इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेफ्टी ऑफिसर की बनती है। अगर आपको अप्लाई करना है तो इनमें अप्लाई करने के लिए मेरे आई डी दे रखा है और यहाँ पे अपना करंट सैलरी एक्सपेक्टेड सैलरी एंड नोटिस पीरियड साथ में अगर CV सेंड करा साथ में ये वर्ड लिख के आपको सेंड करना, जिससे हम लोग क्या शॉर्ट लिस्ट होना चाहते हैं। जहाँ पे CV रिज्यूम MLID के साथ जो डिमांड करता है वो डिमांड देंगे तो जा सकता है। आप लोग अगर CV सेंड करें बाकी करंट सैलरी नोटिस पे तो चांस करते सीधे आप डिटेल जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि हमें ये चाहिए तो आपको वो चीज़ें सेंड करना, सेंड करेंगे तो चांस 20% शॉर्ट लिस्ट के लिए। तो उसके साथ तैयारी होता है और इसमें अगर अप्लाई करें